सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया, मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम किया। इसके साथ 5.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट देने का भी काम किया और हर तीर्थ धाम का हमने विकास करने का काम किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने बंटाधार मध्य प्रदेश को, बीमारू मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। आने वाला चुनाव भारत को महान बनाने का चुनाव है, आने वाला चुनाव भारत को महाशक्ति बनाने का चुनाव है, आने वाला चुनाव भारत को दुनिया में तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव के अंदर मैं आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने फिर एक बार झोली लेकर आया हूं और अपील करता हूं, 29 की 29 सीटों के कमल नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दीजिए, हम मध्य प्रदेश और भारत को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे।